उनको क्या पता व्हाट्सएप के बारे में, एबीसीडी को ज्ञान है मुख्यमंत्री जी को। और अद्भुत है कि हमको तो आंसर के साथ जो है वो लीक हो रहा है। लगभग 50 क्वेश्चन है तो 50 का उसमें आंसर है। बिहार बोर्ड का या कोई परीक्षा होता तो सनी लियोनी टॉप कर जाती है। ये पहले पाली का था, अब जो है दूसरे पाली का भी जो है वो भी लीक हुआ है। सेकेंड सिटिंग का भी कोड जिसका है 201 क्वेश्चन पेपर, उनको क्या पता व्हाट्सएप के बारे में, एबीसीडी को ज्ञान है मुख्यमंत्री जी को। पत्रकारों पे केस कर रहे हैं, अगर आपके मोबाइल में मैसेज आया तो आप पे मुकदमा होगा क्या? हमारे पास तो लोग जानकारी हमको देते रहते ताकि हम जो है बात जो है सरकार के समक्ष रखें। अब देखिए दूसरा, ये पहले पाली का था, अब जो है दूसरे पारी का भी जो है वो भी लीक हुआ है। सेकंड सिटिंग का भी कोड जिसका है 201 क्वेश्चन पेपर, किसी पे डेली लगातार जो है हर पेपर जो है लीक हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री किसी पे कार्रवाई नहीं कर रहे। पूछ के जानकारी लिया जा रहा है, इसमें जानकारी क्या लेना? इसमें तो जो अधिकारी जो लोग हैं जिनके जवाबदेही है जिम्मेवारी है उनको दंडित करना चाहिए। और हम तो कहेंगे कि जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मुख्यमंत्री नहीं लेते तब तक कोई सबक लोग सीखने वाला नहीं है। हमारी मांग है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देना चाहिए। हर बार जो है पेपर लीक हो रहा है, क्या कार्रवाई? सदन में आज भी हम उठ करके इस बात का हमने जिक्र किया, कोई गंभीर नहीं है सरकार, कोई गंभीरता नहीं। अगर ये हमारे पास पहुंचा है तो इसके दोषी हम नहीं है। ये पेपर लीक कैसे हुआ उस पे एफआईआर नहीं हो रहा, पत्रकारों पे एफआईआर हो रहा। अरे पत्रकारों का, लीडर ऑपोजिशन का तो ड्यूटी है कि सच्चाई जो है सरकार के सामने रखे। अगर आपको सूचना मिलेगी, हमको सूचना मिलेगी, तो ये तो हम लोगों का फर्ज है कि सरकार के समक्ष हम इस बात को उनके संज्ञान में, उनके ध्यान में हम लोग लाएं। सदन में बोलो तो अफवाह फैला रहा है। कोई ऐसा नहीं है जिसका पेपर लीक नहीं होता है। अगर सरकार कोई कार्रवाई शिक्षा मंत्री पे, हम तो पहले ही बोल चुके हैं मुख्यमंत्री की अंतरात्मा जो है वो डूब भरी है बंगाल के खाड़ी में। अरे कम से कम शिक्षा मंत्री का तो जवाबदेही तय होना चाहिए उनका। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो अनअकैडमी का साथ है। क्वेश्चन चाहे आपकी बुक का हो या आपके किसी भी होमवर्क का, सारे क्वेश्चन का जवाब अब आपकी उंगलियों पे होगा। अभी प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करें और अपनी अनलिमिटेड डाउट को किल करें। इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ डाउट आप किसी भी समय एनी टाइम पूछ सकते हैं। इसके लिए आप अनअकैडमी का लर्नर ऐप इंस्टॉल करें, आस्क ए डाउट पे क्लिक करें, जिस क्वेश्चन में डाउट है उसकी फोटो खींचे, उसे क्रॉप करें और अपलोड कर दें। कुछ ही देर में बाद आपकी वीडियो सॉल्यूशन आपके सामने होगी। एक क्वेश्चन में एक ही इमेज पोस्ट करें तो देर किस बात की, आज ही अनअकैडमी लर्नर ऐप इंस्टॉल करें। अगर आप ये डाउट सेशन फ्री में चाहते हैं तो इसके लिए आप रेफरल कोड अभिषेक ट्यूटोरियल डालें जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है और अपने डाउट को फ्री में क्लिक करें। अगर आप स्कूल के बाद अपने बच्चों को जीनियस देखना चाहते हैं, चाहते हैं कि आपका बच्चा स्कूल में टॉप करे हमेशा की तरह, तो उसके लिए स्कूल के बाद अनअकैडमी करें। आज ही 10% का डिस्काउंट मिल रहा है फरवरी बैच के लिए, तो आज ही ज्वाइन करें अनअकैडमी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और रेफरल कोड अभिषेक ट्यूटोरियल डालें और 10% का डिस्काउंट। अगर आप इस कोर्स को बाय करना चाहते हैं तो आज ही अनअकैडमी लर्नर ऐप इंस्टॉल करें और प्रोमो कोड में अभिषेक ट्यूटोरियल जो कि आपके चैनल का नेम है वो डालें और 10% का डिस्काउंट जल्दी से पाएं। जवाब देता हूं, आप तो जिस पे एक्शन लेना चाहिए उसको आप प्रमोट करते हैं उन अधिकारियों को, और वो अधिकारी जो है विज्ञापन में पत्रकार भाइयों को और ऑपोजिशन के लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और ज्ञान बांट रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों का ये देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। एक क्वेश्चन पेपर में
कितने बंडल, कितने पेजेस हैं? लगभग 10 से भी ज्यादा पेजेस, 10 से भी ज्यादा। और अद्भुत है कि हमको तो आंसर के साथ जो है वो लीक हो रहा है। लगभग 50 क्वेश्चन है तो 50 का उसमें आंसर है। आप बताइए, ये बिहार बोर्ड है, इससे बिहार की छवि पे पूरी तरीके से देश भर में, दुनिया भर में बदनामी हो रही है। बदनाम लोगों को, और इसलिए हम लोग सब लोग हाथ जोड़ करके विनती करके कि यही जो बच्चे हैं कल भविष्य होंगे, फर्जी डिग्री लोगों को रिजल्ट में भी कितना फर्जीवाड़ा होता है। बिहार बोर्ड का या कोई परीक्षा होता तो सनी लियोनी टॉप कर जाती है, ये स्थिति बनी हुई है। फिर भी कोई शर्म नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। इसलिए हम सभी विपक्ष के लोग जो हैं, सबसे पहला सवाल जवाब दे कौन है, दूसरा अगर जिसकी जवाबदेही है तो किसी पे तो तय होनी चाहिए, और तय है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगला, कार्रवाई के बाद दोबारा ऐसी घटना ना हो, मुख्यमंत्री को इसका भरोसा सदन में बिहार के लोगों को दिलाना चाहिए। तो इसलिए हम लोग इस बात को हम लोग उठाएं।